वेलकम बैक अनदर वीडियो गाइज। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेशन के बारे में जो कि दिल्ली से बहुत पास है और आप समर वैकेशन आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले जान लेते हैं आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बात करें, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर नियरेस्ट है वो काठगोदाम, आपको रेलवे स्टेशन पड़ जाएगा ईजिली। फिर आप यहाँ से नैनीताल पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो फिर आप बस से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। अगर डायरेक्ट नैनीताल के लिए बस नहीं है तो फिर आप काठगोदाम उतर के फिर आप जा सकते हैं नैनीताल। और अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं कहीं बाहर से तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पंत नगर मिलेगा और यहाँ से फिर आप टैक्सी करके जा सकते हैं जो कि 70 किलोमीटर अराउंड पड़ता है नैनीताल यहाँ से। अब देख लेते हैं आपको वेयर टू स्टे यानी कि कहाँ रहना चाहिए। तो बेसिकली जो सबसे अच्छा और चीप होता है वो है कि आप कहीं भी हॉस्टल में रहें या फिर डॉम्स में रहें तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं जो रहा था वो एक डॉम में रहा था, गोस्ट ऑफ नाम के एक हॉस्टल है। तो यहाँ पे आपको 400-300 रुपये में आपको आराम से एक डॉम मिल जाएगा जो कि फैसिलिटीज़ काफ़ी कूल होती हैं। बेड भी अच्छा होता है, आपको लाइट वगैरह मिल जाती है, मस्त कॉम्बिनेशन होता है और आप फ़ोन वगैरह चार्जिंग कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा खासा स्पेस होता है। उसके बाद आप यहाँ पे स्कूटी रेंट करके आप आउटिंग के लिए निकल सकते हैं नैनीताल को घूमने के लिए और प्लेसेस घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे नैनीताल में घूमने के लिए, काफ़ी आपको व्यू पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ से आपको अच्छे से नज़ारे आ सकते हैं। तो कुछ उन्हीं पॉइंट्स की एक बार बात कर लेते हैं कि आप कहाँ पाए कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहले टिफ़िन टॉप, जो कि एक एक ट्रैवल जो कि ट्रैकिंग लवर होते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा टिफ़िन टॉप जाके। टिफ़िन टॉप बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पर ज़रूर जाइए। दूसरे नंबर पर अगर आप स्नो व्यू, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं स्नो व्यू पॉइंट पर। और उसके बाद आप लोकल मार्केट, आपकी स्कूटी उठाइए और फिर घूम जाइए। अगर आप पैदल घूमेंगे थोड़ी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज़ क्या होता है कि नैनीताल के हिल स्टेशन है तो ऊपर नीचे बार बार आपको होना पड़ेगा। और अगर आप होटल ले रखा है अपने मॉल रोड में फिर तो ठीक है, अगर आपको होटल थोड़ा आउट है आयरपाटा साइड है तो प्रॉब्लम होएगा। बाकी आप सामने देख सकते हैं मेरे नैनी लेक दिख रही है यहाँ पे, और नैनीताल में सबसे फेमस लेक है नैनी लेक और आसपास भी इसके काफ़ी लेक्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है नैनी लेक ही है, मिडिल ऑफ स्पॉट्स होता है। और बाकी यहाँ पे आप अगर घूम रहे हैं नैनी लेक के आसपास तो आप नॉर्मल स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हैं, सामने रेट लिस्ट है आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। और अगर आप शॉपिंग में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप घूम सकते हैं। और वन मोर थिंग, अगर आप नैनीताल घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ तो देख लीजिए, यहाँ पे मौसम बहुत जल्दी बदलता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो कभी भी बारिश भी हो सकती है, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होके जाइए यहाँ पे। और अगर आप शॉपिंग लवर्स हैं तो यहाँ पे और भी अच्छा है क्योंकि मॉल रोड जैसा शॉपिंग कहीं भी नहीं होगा और आसपास मॉल रोड में आप खुद भी ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ है यहाँ पे नैना देवी टेम्पल, जो कि नैनीताल में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगह है और यहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा माँ नैना देवी मंदिर करके जो आपको सामने दिख रहा है। एक बार अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा लगता है, अंदर चलते हैं फिर बात करेंगे। और नैनीताल में अगर प्लेस टू विज़िट की बात करें तो ये मोस्ट नंबर वन पर ही आएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ नैनी लेक या फिर नैनीताल, वो सारा कुछ यहीं से नाम पड़ा हुआ है नैना देवी मंदिर से, और एक हिस्टोरिकल प्लेसेस की तरह भी हम इसको देख सकते हैं नैना देवी मंदिर को। और अगर हम यहाँ पे देखें तो मंदिर में आप आराम से इजीली दर्शन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं होती लेकिन फिर भी अगर आप दिन में आएंगे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, नाइट में हल्की सी यहाँ पर रश कम होता है। और आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं माँ नैना देवी के और घूम सकते हैं, और नाइट का व्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर आता है। और यहाँ से आप देखेंगे नैनी लेक को तो जस्ट पास में ही आपको दिखेगी, तो जो कि एक व्यू काफ़ी सुंदर सा आ जाता है अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो। सामने आप देखिए काफ़ी सुंदर सा लाइटिंग हो रही है और अच्छा सा व्यू आ रहा है, और जस्ट आप सामने ही देख सकते हैं नैनी लेक को भी। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा हुआ है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए यहाँ पे घूमने में, लेकिन आराम से टाइम लेके घूमिए क्योंकि यहाँ पे आइटनरी मैं जो बताऊँगा वो 2 डे और 1 नाइट की होती है, तो आप 1 नाइट रुकेंगे और 2 डे में आराम से नैनीताल को कवर कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं बता दूँगा आपको कि आपको 2 नाइट और 2 डे आप कैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप मंदिर घूम लेते हैं तो एक बार ऊपर भी जाके घूम सकते हैं, ऊपर ऐसा कुछ है नहीं घूमने लायक मंदिर में, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ऊपर भी जाके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ऊपर छोटे से मंदिर हैं दशामयुत करके, तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी मेरे को तो भाई यहाँ से व्यू बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो आप नैनीताल आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप नाइट में आइए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिन में अलग खूबसूरती होगी लेकिन नाइट में और ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। बाकी अगर मैं बात करूँ आप अगर 1 नाइट और 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जब जिस दिन आप पहुंच जाएंगे उस दिन आप थोड़ा सा रेस्ट करके आप घूमने निकल सकते हैं, 1-2 पॉइंट्स को कवर कर लीजिए। बाकी नाइट में आप यहाँ पे नैना देवी मंदिर दर्शन करके दूसरा आप कवर कर लीजिए जो जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे,
टिफ़िन टॉप हो गया, अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो वो घूम लीजिए यहाँ पे। और अगर आप कैची धाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से आपको एक डे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो 20 किलोमीटर आना जाना स्कूटी या फिर किसी से तो थोड़ा सा रश हो जाता है। तो आप फिर दो नाइट दो दिन का कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। बाकी अगर आप दो डे और एक नाइट के लिए आना चाहते हैं तो नैनीताल में आराम से आप घूम सकते हैं, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। बाकी अगर कोई क्यूरी आप कमेंट कर लीजिए नैनीताल को लेकर। वीडियो अच्छी लगे लाइक।